हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बच्चे का शूज़ बनाना बता रहे हैं। ये स्पोर्ट शूज़ है बच्चे, और नॉर्मली बच्चे पहना हुआ सॉक्स उतार देते हैं। इसको आप लेस बांध सकते हैं ताकि बच्चा उतार नहीं सके। आप चाहें तो इसका साइज़ और थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, छोटा बच्चा है तो साइज़ थोड़ा इसको छोटा भी कर सकते हैं। अब मैंने ये 6 साल के बच्चे का बनाया है। ये जो है वो ऊपर पैर पर बांधा जाता है, ये ऊपर तक आ जाता है। ये देखिए, मैंने आपको बनाना बताती हूँ। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। मैंने 22 फंदे डाले हैं। आप ये देखिए, अभी मैं शुरू करके दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने 22 फंदे डालकर ये 12 लाइन का मैंने बॉर्डर बना लिया है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें पहला उतार लिया है हमने, उसके बाद देखिए दो सीधे, दो उल्टे, दो उल्टे, दो सीधे, दो सीधे, दो उल्टे, फिर दो सीधे, दो सीधे, फिर दो उल्टे। ऐसे करके हम इसका 12 सिलाई का बॉर्डर बना लेंगे। अगर आप छोटे साइज का बना रहे हैं तो 12 का 10 सिलाई भी डाल सकते हैं, 8 सिलाई भी डाल सकते हैं। और थोड़ा और बड़ा बना रहे हैं तो 12 की जगह 14, 15, 16, जितना आप चाहें बड़ा बनाना, उतने आप घर डाल के उतनी सिलाइयाँ ज़्यादा बना सकते हैं। आप मेरे वीडियो को एंड तक देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, कमेंट करिए। देखिए, अभी हमने यहाँ से लेके यहाँ तक का बॉर्डर बना लिया है। अभी आप इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 लाइन आप दूसरे कलर की बना लीजिए। आपकी मर्जी है, आप एक रंग से बनाइए, आपकी इच्छा है आप दो रंग से बनाइए। इतना बनाने के बाद आप फिर वापस हम बॉर्डर बना लेंगे। ये देखिए, दोनों साइड हमने, देखिए फ्रेंड्स, ये भी हमारा बॉर्डर पूरा हो गया है। हमने 12 सिलाई डाली हैं। अब मैं यहाँ से दूसरा कलर लगा रही हूँ। आप चाहें तो एक ही कलर से बना सकते हैं, आप चाहें तो ये दो कलर से भी बना सकते हैं। इसमें हम 1, 2, 3, 4, 5, 6 लाइन उसकी काले की और 6 लाइन हम पिंक की डालेंगे। उसके बाद फिर से बॉर्डर बनाएंगे। इतना बनाकर फिर बॉर्डर बनाकर हम आपको आगे बताते हैं कि क्या करना। बच्चे के लिए ये बहुत अच्छा है, बच्चा खोल नहीं सकता है, गर्म पैर रहते हैं। इसके लिए आप इसको ज़रूर बनाइए और बताइए आपको कैसा लग रहा है, कमेंट दीजिए। ये देखिए, अब यहाँ से हमने दूसरा कलर लगा लिया है। ये हम सीधा सीधा ही बुनेंगे, इधर से भी सीधा और उल्टी साइड से भी सीधा ही बुनेंगे। इसमें उल्टी सिलाई कोई, सीधी और उल्टी कोई नहीं डलती है, सीधी सीधी सिलाई ही हम डालेंगे। ये हमने 22 फंदे जो 44 फंदे डाले हैं। आप चाहें छोटे बच्चे का है तो, आप बड़े बच्चे का बनाना हो तो 44 की जगह आप 48 बना डाल सकते हैं। ये देखिए, अभी हमारी सिलाई पूरी हो गई। अभी हम फिर से सीधी सिलाई ही डालेंगे। इस तरह हम इसमें 6 लाइन डाल देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डाल के फिर से हम बॉर्डर बनाएंगे। ये अभी हमारी लाइन पूरी हो गई है। अब हम यहाँ से दो सीधे और दो उल्टे बनाएंगे। ये देखिए, ऐसे हम 11 सिलाई डाल लेंगे, क्योंकि एक तो हमने प्लेन बना ली है। ऐसे हम बॉर्डर की 11 सिलाइयाँ बना के बंद कर देंगे। बंद भी हमको ये जो बंद करना है, यहाँ से बंद करना है तो ये सब ढीला ढीला बंद करना है, ज़्यादा टाइट बंद नहीं करना है। हम बंद करके दिखाते हैं, फिर हम ये क्रोशिए का बनाएंगे जिसमें से कि ये लेस बच्चे की निकल सके। ये हम सारा क्रोशिए का बनाएंगे, उसके बाद हम ये बॉर्डर बना के आपको दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा पूरा पोर्शन कंप्लीट हो गया है। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। अब हम यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे पकड़ लेंगे और इसको देखिए, ऐसे हम अभी इसकी सिलाई करेंगे।
अब इसको यहाँ से यहाँ तक सिलाई कर लेंगे। इसको आपस में मिला लीजिए एक बार इधर से और एक बार उधर से, ऐसे करके हम इसकी सिलाई कर लेंगे। ये हमारा जूता पूरा हो गया है। अब हमने क्रोशिए से पूरा उसको यहाँ से लेके पूरा कर दिया है। ये देखिए अभी इसमें ये बच्चे का इसे आ जाएगा। ये देखिए ये थोड़ा बड़ा है, ये जो चीज़ है वो बच्चे के यहाँ तक पहुँच जाती है। अब हम इसमें लेस डालेंगे। ये देखिए अब हम यहाँ से लेस डालेंगे, यहाँ से लेस डालेंगे। ऐसे लेस डाल के ये हमारा जूता ऐसे तैयार हो जाएगा। हम अभी आपको लेस डाल के दिखाते हैं। अब हमारे दोनों बच्चे के दोनों जूते पूरे हो गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, शेयर करिए। थैंक यू।